सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक आर्थिक विकास के चैप्टर एक, जिसका शीर्षक है विविधता की समझ। हम सब एक दूसरे से भिन्न हैं, भिन्न मतलब अलग, रंग रूप में, वेशभूषा में। हम लोग एक दूसरे से शारीरिक बनावट में अलग अलग हैं। हमारे बीच विभिन्नता रंग रूप, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, जीवन यापन, तीज त्योहार आदि के कारण विभिन्नताएं आती जाती हैं। हमारी कक्षा में बैठे हुए विभिन्न छात्र भी अलग अलग परिवेश से आने के कारण अलग अलग स्वरूप के होते हैं, और यह हमारे कक्षा को विभिन्नता का एक रूप देती है। इस चैप्टर में हम लोग आज विभिन्नता के बारे में ही जानेंगे कि किस तरह हमारे देश में विभिन्नता पाई जाती है और यह विभिन्नता किस तरह हमारे भारत को समृद्ध करती है। अध्याय के प्रथम सारांश में हम देखते हैं एक छोटे से बच्चे की कहानी, जो कक्षा 5 में पढ़ता है। उसका नाम है निशान। निशान बेली रोड के ही रामनगरी मोहल्ले में रहता है और बगल के ही मध्य विद्यालय का छात्र है। वह स्कूल से आकर अपने पिता की दुकान भी संभालता है। उसके पिता की एक किराने की दुकान है। कुछ लड़के सामान खरीदने उस किराने की दुकान पर आते थे। वो लोग जब आपस में बातचीत करते तो निशान को बड़ा आश्चर्य होता उन्हें अंग्रेजी में बात करते हुए सुन कर। एक दिन की बात है, निशान सामान खरीदते ही उन लड़कों से पूछा कि आप लोग आपस में किस भाषा में बात करते हैं। उन्होंने बताया कि हम लोग अंग्रेजी में बात करते हैं। उसे अंग्रेजी सीखने का बड़ा ही चाव था। बात करने के क्रमानुसार उसे पता चला कि जिस लड़के से उसकी बात हो रही थी उसका भी नाम निशान ही था। निशान, बड़ा निशान और छोटा निशान दोनों दोस्त बन गए। बड़ा निशान, जिसका नाम निशान अहमद था, इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष का छात्र था, और छोटा निशान, जैसे कि आपको पहले से पता है, मध्य विद्यालय 5 का छात्र था। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। जब भी निशान अहमद को छुट्टी रहती तो वह छोटे निशान को अंग्रेजी सिखाया करता था। बदले में छोटा निशान उसे मगही सिखाया करता था। इसी तरह दिन बीतते गए। निशान अहमद अंतिम वर्ष का छात्र होने के कारण उसकी जल्द ही नौकरी हो गई और वह नौकरी करने के लिए दिल्ली चला गया। इस तरह हम देखते हैं कि छोटे निशान और बड़े निशान के धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि भले ही अलग अलग हो, लेकिन वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारा खान पान, धर्म, भाषा, रंग, रूप, आकार, विभिन्नता होते हुए भी हम बहुत ही अच्छे मित्र बन सकते हैं। और इस तरह आगे अध्याय में दिखाया गया है कि यह विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। हम लोग आपस में भी दोस्त हैं और हमारे जीवन को समृद्ध बनाने में विभिन्नता का बहुत बड़ा रूप है। तो आप लोग अपनी कॉपी में
नोट करेंगे कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है। आगे का अध्याय हम अगले YouTube पे पढ़ेंगे।